अब आपको मिलाते हैं स्पाइस गर्ल्स ऑफ इंडिया से। ये कोई बैंड नहीं है, जोधपुर के मसालों की दुनिया पर राज कर रही सात बहनों की सफलता की कहानी है। लेकिन ये कहानी माँ के किरदार के बगैर अधूरी रही। जब पिता ने साथ छोड़ दिया तो जमे जमाए बिजनेस के साथ जिंदगी अधर में लटक गई। लेकिन बेटियों की जिंदगी और पति के नाम को जिंदा रखने के लिए माँ ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दुनिया से भिड़ गई। बेटियों के दम पर आखिरकार जीत माँ की थी। आज इस सफलता की चमक जोधपुर क्लॉक टावर के चारों तरफ देखने को मिलती है। का किया था बिजनेस, पहले छोटा छोटा करते थे, फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाया। जैसे जैसे टूरिस्ट आने लग गए तो उनकी भी चाहत बढ़ती गई और छोटे से थोड़ा बड़ा किया बिजनेस और काफी अच्छा हमको मिला। और उसके बाद फिर मेरे को चौथा नंबर जब डॉटर हुई तो बहुत अच्छा बिजनेस था हमारा, बहुत अच्छी मतलब कामयाबी पाई थी मेरे हस्बैंड ने। इसलिए बंद की जो मेरे हस्बैंड को रोज सपने में बहुत सारे टूरिस्ट दिखते थे, तो उन्होंने एक दिन ठान लिया कि भाई मेरे को तो बस यही बिजनेस करना है इनका, तभी उन्होंने दुकान वो बंद कर दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये शॉप धीरे खोली, पहले तो एक मसाला थोड़ा सा बनाते थे और एक चद्दर बिछा के उस पर सेल करते थे। उनको बहुत अच्छा मिल गया तो फिर उन्होंने उनकी और ताकत बढ़ गई, फिर बाद में उन्होंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के और किया, उनके साथ मैं भी करती थी तब। पहले में तो ये क्या करते थे, रोज चद्दर लेके और वहाँ मसाले छोटे छोटे पैकेट बना के चद्दर बिछा के वो सेल करते थे, छोटे छोटे पाउच बना के। और फिर एक दिन वहाँ के किले के उन्होंने बुला के अंदर गार्ड साहब ने उनको बुलाया और बोला कि भाई यहाँ पे ये अच्छी बात नहीं है, तो उनको गजय सिंह को पता पड़ा तो उन्होंने बुलाया इनको। फिर बुला के और बोला कि नहीं ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और आप भले यहाँ पे कर सकते हो। फिर हमको अच्छी खासी वहाँ पे जगह दी और वहाँ पे फिर ये बिजनेस अपना करते थे। अचानक फिर इनके हार्ट अटैक हो गया मेरे हस्बैंड के और सब ऐसा हो गया जो हम खुद अकेले हो गए और ये छोटी छोटी मेरी बेटियां थी और जैसे तैसे करके संभाला, कुछ हमको आता ही नहीं था बिजनेस में। इसलिए तो बहुत हुई, जब इनकी डेथ हो गई तो काफी लोगों का भी सुनना पड़ा हमको, कह रहे थे कि तुम लेडीज लड़कियों को दुकान पे बिठाओगे, ऐसे करोगे वो करोगे, इससे अच्छा दुकान हमको किराए पे दे दो। और मैंने कहा नहीं, वो तो कैसे, मेरे को पता है मेरे हस्बैंड ने कितनी मेहनत से बिजनेस किया है, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मेरे परिवार वाले भी मेरे खिलाफ हो गए, मेरे को उन्होंने भी साथ नहीं दिया। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी बड़ी वाली बेटी को बिठाया शॉप पे और मैं और दोनों बैठते थे। फिर हमको भी समझ में आ गया बिजनेस। फिर लोगों ने तो बहुत तंग किया, बहुत हमको मतलब कस्टमर चलाने नहीं देते थे, हमसे छीन के ले जाते थे, तो भी मैंने तो हार नहीं मानी। परेशान ऐसे ही मतलब दुकान के बाहर आके खड़े हो जाते थे और उनको कस्टमर जैसे ही दुकान के बाहर निकलता उनको भड़काते थे, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या बोलते थे। उनकी
डेथ के बाद मैंने पहले कदम रखा था दुकान में, क्योंकि मम्मा को बाहर निकलना नहीं था तो मैंने ही संभाला। बट स्ट्रगल बहुत था, क्योंकि बिजनेस की ABCD भी नहीं पता थी और सेकेंड ईयर में थी तो फोकस पूरा बिजनेस पे करना था, तो पढ़ाई छोड़नी ही पड़ी। और यहाँ पे ये रहता है कि मॉर्निंग में आपको 7 बजे भी आना पड़े, 6 बजे भी आना पड़े, 9 बजे भी आना पड़े और रात के 11 बजे तक करना ही पड़ता था काम, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 2005 तक, पापा की डेथ 2004 में हुई, पूरा 2004-5 हमने कुछ भी नहीं कमाया था, क्योंकि अंग्रेज हम तक पहुंच ही नहीं पाते थे। एक तो ये चीज न्यूज़ आ गई थी कि पापा नहीं रहे हैं, तो उनके जो पुराने अंग्रेज थे या वो किसी को भेजते थे तो उनको यही बोला जाता था मार्केट में कि वो तो इंसान चला गया और मैं उनका बेटा हूँ। तो ये चीज़ मैंने उन तक पहुँचाई, किताब वालों तक, कि भाई पापा का कोई बेटा नहीं है और दुकान वहीं पे है और वही चल रही है और अब 7 बहनें हैं, हम 7 बेटियां हैं और हम लोग ही दुकान चलाते हैं। ये न्यूज़ हमको पहले पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी किताबों में। जब किताबों में आने लगी तब अंग्रेज़ों को पता चला कि बाज़ार में बहुत से झूठ लोग भी हैं, हमको उसी दुकान पे जाना है जहां पर लड़की बैठती है। मसाला फॉर द टी, दिस वॉज माई फादर्स फर्स्ट प्रोडक्ट, ही स्टार्टेड विद इट। एक दिन मैं दुकान पे बैठी थी तो क्लाइंट पूरा फटा हुआ सा, गला सा, एक किताब में से उसने पेपर निकाला और बोला मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ ये दुकान कौन सी है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब मैंने उनको बोला, मैंने पैकेट निकाल के, तब ये पैम्पर हमारा नहीं उस वक्त चल रहा था, ये पैम्पर ऊपर पड़ा था, बंद था, क्योंकि मैं भी नई थी बिजनेस में, मुझे भी पता नहीं था कि पापा कब कौन सी चीज़ कैसे यूज करते थे। मैं ये ढूंढ के लाई, मैंने उनको पूरा वो ब्लॉक दिखाया कि ये देखो प्रिंट आउट किए हुए हैं, ये मेरे पापा का है, ऐसे कर। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि अंग्रेज कहाँ कहाँ से ढूंढते ढूंढते, एक पेपर से ढूंढते हुए पापा को आते हैं, तो कितनी मतलब पापा की इम्पोर्टेंस है। My sister was the one, Usha, she started cooking activity. अब वो कुकिंग एक्टिविटी भी कैसे आई, क्योंकि कस्टमर हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे थे, हम लोग पूरा दिन शॉप पे खाली बैठे रहते थे, कुछ करने को होता नहीं था। अगर कोई कस्टमर आ गया, एक बार कोई कस्टमर आया तो उसने, माई सिस्टर इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, सो वो उनको बता रही थी बहुत सारा मसालों के बारे में, उनको कुकिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, तो उन लेडी ने बोला कि वाई डोंट यू शो मी हाउ टू कुक। तो इस तरीके से उन्होंने कुकिंग एक्टिविटी स्टार्ट करी। तो शी वॉज द फर्स्ट वन इन 2006 टू स्टार्ट द कुकिंग एक्टिविटी एंड शी एडेड टू द बिजनेस एंड नाउ वी ऑल्सो गिव द कुकिंग क्लासेस टू द पीपल हाउ दे कैन यूज इट। जितने भी फॉरनर्स आते हैं बिकॉज वो बहुत क्यूरियस होते हैं अबाउट मसालाज, क्योंकि इंडिविजुअल स्पाइसेस यूज करना बहुत मुश्किल होता है, इवन इफ वी टेल देम अबाउट मसालाज तो उनके लिए वो भी एक हेजिटेशन होता है, तो हम लोग उनको कुकिंग क्लास ऑफर करते हैं, हम उनको घर ले जाते हैं, वी टीच देम हाउ टू।